ये देखो गाइस फोटो दिखा दो। अब ये था गाइस, मैं रोया नहीं हूँ, मैं मेरे से हुआ है उधर नहीं। डांस क्लासेज अब मेरे को नहीं पता। हमें क्यों फोन किया वापस? तो फैमिली मैं क्लास आ गई हूँ, ठीक है, और मुझे आप लोगों से इतनी इंपॉर्टेंट बात करनी है। आप लोगों ने देखा होगा सर अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, कभी सीरियस हो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। मैं खुद डर गई थी, इसलिए मैंने सबसे पहले माधव को कॉल करके बुला लिया था कि उसको छुप के रहना, ताकि मैं सर का फ़ोन सर से ले सकूं और ताकि मैं ब्लॉग एडिट करके डाल सकूं, ताकि आपको पता चल सके सर क्या कर रहे हैं। अभी तक तो सर आए नहीं है, तो एक बार सर आ जाए फिर मैं उनसे पूछूंगी आखिर क्या है। उन्होंने अभी तक ब्लॉग देखा नहीं होगा कि उनका फ़ोन नहीं मेरे पास है कल से, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बहुत डर लग रहा है, पर सर से पूछना तो पड़ेगा आखिर क्या कर रहे हैं वो। कभी सीरियस होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मैं परेशान हो गई हूँ। तो एक बार सर आ जाए फिर पूछती हूँ मैं। तो गाइस अभी तक तो कोई भी आया नहीं है, मैं अभी तक अकेली बैठी हुई हूँ। ये माधव भी आ गया। हाँ ब्लॉग में दिख गया, आप सच में फोन करके बुलाया था ना। हाँ उस वाले में आया, सर ब्लॉग बना रहे थे, वापस चला गया और ब्लॉग में दिख गया। अरे यार अब अरे सर देख लेंगे, वो लगेंगे अपन प्रैंक कर रहे हैं। अब क्या करे यार, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है उसको सही करना। तो अब क्या करे, मेरे को लगा अपन प्रैंक कर रहे हैं, सर को लगेगा, सर डांटेंगे अपन सबको। यार देख मैं इसलिए तो फोटोज लेके आई हूँ, सर का रिएक्शन चेक करते। कल तू देखा उनका ब्लॉग देखा कैसे, कभी सीरियस हो रहे कभी कुछ कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा यार। अब क्या करेंगे यार, पता नहीं मेरे को। ये पीयूष और कुलदीप भी आ गए। तुमने ब्लॉग देखा कल का? यार सर का रिएक्शन से पूछ, सर का रिएक्शन क्या था, कभी सीरियस हो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी पता नहीं क्या अजीब बिहेव कर रहे हैं यार। इसलिए तुमने फोटो लेके उनका रिएक्शन चेक करना, उनको आज ना कुछ भी हो जाए नीचे नहीं जान देना किसी को भी, ठीक है? अब एक बार देख लेते हैं सर आ जाए, उसका वेट करते हैं। पता नहीं यार मेरे को तो यही लग रहा है सर कर रहे हैं, मैं तो चली गई थी। मतलब क्या हुआ है, तू ब्लॉग देखना पूरा, ठीक है? अभी सर का वेट करते हैं यार, उनको नीचे नहीं जान देना, कोई भी नीचे नहीं जान देगा, ठीक है? और वेट करते हैं सर का यार, एक बार सर आ जाए। पानी मैं एक मिनट। हाँ जा यार, तेरे को क्या लगा सर प्रैंक? सर आप लेट कैसे आए आज? मेरा फोन तेरे पास है? हाँ डांस क्लास में रखे गया तेरे फोन, तेरे को कैसे पता फोन इधर है? मैं आई तो मुझे दिखा, मैंने ले लिया। फिर क्या हुआ, ये सब पहले कैसे आ गए? आप लेट आए हो, ये पहले आ गए। फोन दे इधर, मैं कब से दूसरे फोन से पता इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, व्लॉग भी नहीं डाला आज का मैंने। अच्छा कल वाला डाला नहीं मैंने व्लॉग, कोई बात नहीं ना आज डाल देना उसको। क्या अब दो एक गाइस एक दिन में दो दो व्लॉग कैसे डालूंगा, अभी आज वाला बना रही है क्या? हाँ। वैसे क्या देख रहे हो सब? कुछ नहीं नॉर्मली। और मेरे को मैं अब फोन तेरे को पता इधर पड़ा गाइस, कल तू गई ठीक है, तू गई थी मेरे को पता है, कल जो भी हुआ ये गई, उसके बाद मेरे को फोन मैंने रखा ठीक है, ऊपर आया नीचे आया फोन ही नहीं मिला मेरे को। और आज व्लॉग अभी डाल दूँ क्या? व्लॉग अभी डालूँ वापस? चल तो गाइस अभी यार अब जब आप नेक्स्ट डे देख रहे हो तो पहले दिन हम व्लॉग डालोगे, तो मैं कर लूँ कल एडिट कर लेता हूँ ठीक है, मैं डालता हूँ। चल तुम बैठो इधर, तुम बैठो। अरे तो रहने दो ना, क्या डाल देना व्लॉग, मैं पर मैंने डाल दिया व्लॉग, ये वाला व्लॉग आप कल डाल देना। व्लॉग डाल दिया तूने आज वाला? मैंने डाल दिया था। ये क्या लेके आई है? ये तो फोटोज है, मैंने दिखाई थी ना आपको बचपन वाली। ओ भाई साहब गाइस तेरी फोटो है क्या बचपन की? हां वो जस्ट वाली देखो, जस्ट वाली। ओहो गाइस सोनल की बचपन की फोटो पकड़ दो एक मिनट, याद है आपको? दिखा दे क्या, मेरे को कैसे याद होगा बचपन तेरा है, मेरे को कैसे याद होगा? फोटो दिखा दे, मैंने फोटो फ्रेम बनवाने जाऊंगी। मेरे को कब दिखाया? मैंने दिखाया था ना आपको यार। गाइस ये फोटो देखो, दिखाना एक बार। अरे गाइस ये देखो सोनल, ये देखो गाइस फोटो दिखा दो सोनल की बचपन की, और दिखाना। ओ गाइस ये सोनल के पापा, और दिखा। यहाँ पे कितने साल की थी तू? यहाँ पे तो मैं पहला बर्थडे था ये। ओ बर्थडे की फोटो, ये सोनल की मम्मी, ये वही वाला घर है पहली बार। हाँ। तो ये क्या करेगी तू इसका? ये फोटो फ्रेम मैंने बताया था ना आपको, मैं फोटो फ्रेम बनवाऊंगी इन सबका। भाई मेरे को कब बोला तूने फोटो फ्रेम बनवाऊंगी? मैंने बोला था आपको याद नहीं है क्या? मेरे को कुछ नहीं बोला तूने फोटो फ्रेम, मेरे को क्या पता इसने फोटो फ्रेम का बोला, मेरे को नहीं पता। और तूने पहले बार मेरे को बोला, इन किसी और को बोला होगा, तेरे को याद तो है नहीं। लो गाइस आज के व्लॉग में तो आपको सारी फोटोज भी देखने को मिल गई, और ये तू फोटो फ्रेम बनवाइए इसकी, फोटो फ्रेम बनवा ली यार, मेरे को ये पता भी नहीं है, मेरे को तुम बोला भी नहीं है। तो आपको बताया था यार, ये नहीं बोला मैं। बात सुन, अभी मैं पानी लेके आ रहा हूँ, तुम बैठो इधर ही, ठीक है? आप मत जाओ, हम लेके आ जाएंगे। क्या आप मत जाओ क्या, ऐसे क्या क्या, मैं क्यों नहीं जाऊँगा पानी लेने? अरे तो आप चलो, हम लेके आ रहे हैं ना। अरे यार सुन, हम लेके आ रहे हैं, अपन तो बैठो। क्या पागल हो गई क्या? हम लेके आ रहे हैं ना। अब हम लेके आ रहे हैं, जाओ जाओ, मेरे क्या है मेरे क्या। वाह अपने तो गाइस, अच्छा जाओ लेके आओ पानी। वाह ये तो गए गाइस, ठीक है। अब गाइस मेरे को देखना, इन्होंने कल वाले व्लॉग में डाला क्या है, एक बार को मैं देख लूँ ठीक है। अब मेरे को फ़ोन का पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि फ़ोन जैसे मेरा
सोनल के पास अचानक से मैं नीचे से ऊपर आया और सडन मेरा फ़ोन गायब। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास दो फोन है, ठीक है, एक फ़ोन और पड़ा था, उससे मैंने जो मेरे को इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डालनी थी वो मैंने उससे डाल दी, ठीक है, और ये वाला फ़ोन मेरे को मिला ही नहीं। ठीक है, ये वाला फ़ोन मेरे को मिला ही नहीं। अभी अगर देखो सही इन्होंने ब्लॉग में डाला क्या, एक रुको गाइस, एक मिनट रुकना, मैं गाइस अंदर चलता हूँ, एक बार अंदर चल के देखता हूँ मैं। ठीक है, कुछ तो सोनल ने किया है, ये तो पक्का मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बंद करता हूँ, कुछ तो पक्का सोनल ने किया है। रुको एक बार, मेरे को देखना, इन्होंने ब्लॉग, ये अचानक से फ़ोन गायब हो गया मेरा पूरा, ये तो एक तरह की चोरी है ये तो। भाई साहब ये था गाइज ब्लॉग, देख लिया मैंने पूरा। ठीक है, मेरा भी बिहेवियर थोड़ा अजीब सा था, लेकिन उसमें माधव बीच में कैसे आया, सबको देखा इसको। हाँ इधर आओ, इधर आओ तुम लोग, इधर आओ, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ मेरे को पानी पीने दे, एक मिनट रुक जाओ। नीचे कुछ आवाज़ें तो नहीं आई, किचन के उधर कुछ भी नहीं हुआ, नहीं। सब नॉर्मल था। कर बात सुनो, तूने जो ब्लॉग डाला है कल, ठीक है, उसमें माधव कैसे आया बीच में, और पहली बात तो तूने यार फोन लिया क्यों, पहली बात ये बता, फोन तो पड़ा था इसलिए मैंने ले लिया था। मैं नीचे से ऊपर आया, फोन गायब हो गया मेरा अचानक से, जादू है क्या कोई, तो नीचे पड़ा था इसलिए मैंने लिया। तू क्यों आया भाई कल, मेरे को इन्होंने फोन करके बुलाया, क्यों बुलाया तूने इसको, इसको तो इसकी गली में वो एलआईसी एक आंटी रहती है जिसके एलआईसी के पैसे देते हैं, ये बस वो देने आया था मुझे। क्यों आया तू फिर, मेरे को इन्होंने फोन करके बुलाया था, क्या बोला इसने देखो, के ना वो तेरे गली में जो आंटी रहती है उनके एलआईसी की किस्त बननी है, और बाहर जो दरवाजे ऐसे खोल रहा था बंद कर रहा था वो कौन कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। पक्का है, क्यों भाई, तू एक बात बता, तेरे को पता है जब उन सब ने फोन करके बुलाया, क्यों बुलाया तूने इसको, और तेरे फोन तेरे पास कैसे आया, तू क्यों पोस्ट कर रही है, तो आपको पता ही नहीं था फोन आपका कहाँ है, आप छोड़ के चले गए, इसलिए मैंने घर गया। तू घर कौन गया डर के, एक तो गई सी, खुद तो डर के चली गई तू, ठीक है, ऐसे अपन दो ही थे, ऊपर से ये डर के चली गई अचानक से, तो क्या करती है, डर लगा या तो तूने इसको बुलाया, मैं अब मेरे को अब समझ आ रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूँ तुम क्या कर रहे हो, तूने इसको बुलाया, तुम मेरे को डरा रहे हो, तो मेरे को क्या 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 साबित क्या करना चाह रही सबको कि मैं भूत हूँ, यही साबित करना है तेरे को, अरे मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, तो ये दरवाजे कौन था कर रहा था, यही कर रहा था, यही कर रहा था ये, तो ये फिर अचानक से किस दे गाइस, अगर तेरे को एलआईसी किस देनी थी तो बाद में बुला लेती या पहले बुला लेती, सडन से अचानक से क्यों आया, एक बात बताओ, अगर पहले ही आना था तो पहले ही आ जाती, तू वापस भागा क्यों, बोल नहीं सकता कि तू है, अब मेरे को समझ आ रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो गाइस, अब मैं बताता हूँ तुम्हें सच्चाई, तुम क्या है, बेवजह मत कर सोनल, तुम भी हो गया, तुम भी हो मिले हुए, तुम सब कर रहे हो मेरे पे प्रैंक, ठीक है, ये कब से जो दो महीने चल रहा है मैं बता रहा हूँ, ये आया है गाइस, मैं बता दूं क्या हुआ, तू आया है, तू नहीं दरवाजे हिलाए, ठीक है, नहीं नहीं तो कल तो पहले की बात नहीं कर रहा, कल तो पक्का तू इसने किया है, उसने कुछ नहीं, और मेरे को बता क्या, मैंने कुछ किया नहीं, चला गया था क्या, वो तो आते ही जब देखा ब्लॉग बन रहे हैं वो चला गया, क्या ब्लॉग बने चला गया गाइस, ये सब तुम ही प्रैंक कर रहे हो, दरवाजे तो तूने दरवाजे उधर से, मैंने अभी वीडियो दिखा दूं गाइस, कल वाला ब्लॉग दिखा दूं वीडियो, ये बोल दिया इसने, ले अब कैसे बोल रहा है, इन्होंने किया, मैंने तेरे को सिर्फ बुलाया था, पर मेरे को इन्होंने किया है, उसने बोल दिया, उसको डरा मत, क्यों, अब सच बता दे सोनल, झूठ बोलने से कुछ मतलब नहीं, अब सच बता दे, मैं सच ही बोल रही हूँ, इसको सिर्फ मैंने बुलाया था, किस दिन मेरा अगर फोन, मेरा फोन इसके पास पड़ा था गाइस, तुम्हें को फोन करके दूसरे फोन पे बता नहीं सकती थी, मेरी मम्मी को फोन कर देती कि मेरा इनका फोन पड़ा इधर ही, मैं भूल गई फोन करना, क्या भूल गई फोन करना, प्रैंक कर रहे हो तो साफ साफ बोल दो, तुम भी हो तो साथ में बोलो, कल तो रोज का नहीं कह रहा, मैं रोज का नहीं कह रहा, मैंने गाइस मैंने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, कमेंट भी पढ़ लिया, पूरी फैमिली भी यही कह रही है, और अब तो मेरे को भी लग रहा है ये सब भी प्रैंक कर रहे हैं मेरे पे, कुछ नहीं है ये सब, फालतू की बातें मत करो तुम, ये सब देख मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर सच बोले मेरे बात सुनो, सच बोल दोगे तो देखो मैं माफ कर दूंगा, आप सच ही बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ आया था, उसने का ब्लॉग बन रहा है, वो वापस चला गया, बस उसके उसने मुझे कॉल करके बोल दिया कि हमें वापस चला गया था क्योंकि ब्लॉग बन रहा था इसलिए, जाओ जाओ तू, अरे सर मैंने कुछ किया ही नहीं, अरे नहीं बुलाया मेरे को, अब जाके ये प्रैंक, इतने दो महीने से प्रैंक कर रही है, आप कुछ नहीं फालतू की बात करना, मैं दो महीने से प्रैंक क्यों कर रही है, आप कर रहे हो क्या प्रैंक, कर मैंने देखा, क्या प्रैंक किया मैंने, आपने ब्लॉग देखा,
हाँ ब्लॉग देख लिया मैंने, उसमें खुद का बिहेव देखा। तेरे पूरे ब्लैक कांच में देखे हस्ती जो तू खुद नहीं, वो कुछ नहीं। इसमें भी आप ग्लास में हंसे हो भी भाई साहब, गाइस इतने सोनल वाले ब्लॉग में आप कैसे मैंने कल कल वाला गाइस रुक जा हाँ बर्थडे वाला केक क्यों खाया तूने? ऑलरेडी बोल चुकी हूँ उसमें चीटियां लग रही थी इस वजह से। हाँ तो खाया ना तूने भी बर्थडे वाला केक, तो प्रैंक तू ही कर रही है सब हम पे। आप कर रहे हो हम पे, कभी सीरियस होते हो कभी नॉर्मल हो। अरे मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं तेरे को बता रहा हूँ। कल गाइस मैं खुद बता देता हूँ तेरे को, किचन में गया बस मैं तेज तेज बोल रहा था क्योंकि मेरे को दोनों प्रैंक कर रहे हो। अरे आप कर रहे हो, आप कभी हंसते हो रोते हो तुम यार। देख अभी भी सच्चाई बोलते सोनल, आप सच्चाई बताओ ना यार, कभी आप हंसते हो कभी आप सीरियस हो। मैं तो आप ही करते हो सर, बीच में आप तू कहां से देख के नहीं हंसती, तू बोल रहे देख के आप भी हंसे, पर बीच में आप भी रोते थे। मैं यार क्या मैं रोया नहीं हूं, मैं मेरे से हुआ है उधर नीचे, इधर से जबड़ा हिल रहा था पूरा। आपको लग रहा है कि हम प्रैंक कर रहे हैं, हमें लग रहा है आप प्रैंक कर रहे हैं। एक काम करते हैं, नीचे चल के देख लेते हैं कौन क्या कर रहा है। अरे नहीं अभी नीचे नहीं जाएंगे यार, नीचे तो जाना पड़ेगा। चल चल गाइस कुछ मत कर, अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, तो तुम सबको सॉरी बोलोगे, पूरी फैमिली को सॉरी बोलोगे, और आप कुछ रिएक्ट नहीं करोगे। मैं कुछ भी नहीं, मैं एकदम नॉर्मल रहूंगा, ठीक है, अकेले नहीं रहूंगा, मैं अकेले नहीं रहूंगा। गाइस सामने कह रहा हूं, अगर कुछ भी नहीं हुआ ना नीचे अभी, तो ये दोनों ही प्रैंक कर रहे थे इतने दिन से और हमको भी नहीं बताता, ठीक है ना, पीयूष को बता ना केडी को बता ना मेरे को बता, ठीक है। चल चलेगा राजा, चल अभी देख लेते, रुक जा ठीक है ठीक है ठीक है। देखो सब पे एलिगेशन तू हम पे डालेगी, एलिगेशन हम तेरे पे डालेंगे, कुछ नहीं होगा। एक बार चलो नीचे आ जाओ, आ जाओ गाइस, आ जाओ अभी देख लेते किसने क्या प्रैंक किया क्या नहीं किया। रुक जा, अगर कुछ नहीं हुआ सोनल सीधा डांस कैसे जाएगी, सीधा डांस कैसे जाएगी, पहले कह रहा हूं मैं, मैं खुद बोल दूंगा, मैं कुछ ब्लॉग में बोल दूंगा, सॉरी। रुक जा, आ जा आ जा, ठीक है। अब किचन का दरवाजा किसने खोला है? अब मैं आया, मैं अभी आया हूं, अभी आके नीचे पानी भरने दे देना, किसी मम्मी आई थी पानी भरा और गेट बंद था, क्यों बंद तुम नीचे आए? अब आप हमारे ऊपर नाम डालो, अभी ये तो आप गलत कर रहे हो कि हमने नीचे आए थे या पानी गेट बंद था, ठीक है। चल दरवाजा मैंने नहीं खोला, पर दरवाजा मैंने नहीं खोला, अपने आप खुल गया होगा हवा से, मैंने नहीं खोला है ये पहले ही बता देता हूँ। मैं अभी आया हूँ नीचे, मैं कैसे, चल रुक जा, आ जा, चल नहीं आ जा, आ जा। गाइस आज क्लियर हो जाएगा ये प्रैंक कर कौन रहा है, ठीक है। अगर ये प्रैंक है, अगर सोनल हुआ ना तो ध्यान, पहले ही बता रहा हूँ मैं, और अगर आपने, मैं खुद सॉरी बोलूंगा। अगर गाइस अगर कुछ भी हुआ ना ऐसा, मैं खुद सबको सॉरी बोलूंगा, ठीक है, जितने भी लोग हैं मैं सबको सॉरी बोलूंगा। चलो गाइस अब फाइनली वापस लिख रहे हैं, लिख पेंसिल का है का, मेरे को क्या पता पेंसिल का है, कल यही तो छोड़ी गई थी पेंसिल में, ये भी छुपा दी तो पेंसिल तो बोल दे। अरे मैंने नहीं छुपाई, देख मेरे गाइस एक झूठ बोलते ना उसके लिए सोनल 100 झूठ तेरे को बोलने पड़ेंगे बार बार। मैंने एक बार सच बोला ना, मैंने नहीं छुपाई। आज पेंसिल कहां गई, इधर से अब कोई आया ही नहीं क्लास में, कहां है पेंसिल? हां चल ठीक है ठीक है, लिख। हां चल यहाँ कैसे रखी पेंसिल, यहाँ किसने रखी मुझे क्या पता, पेपर का है, पेपर भी भर गया पूरा, पेपर तो यार लेके आते हो ना, पेपर ले गया गाइस, अभी सच का सच सबको पता चल जाएगा, ठीक है लेके चलो। एक बात बताओ, वहां से घड़ी कहाँ गई, कहाँ से, जहाँ पे आपने रखी थी कल भगवान के पास आपने बोला था ना घड़ी रखी है, तो उधर मंदिर में ही है घड़ी, तो नहीं है मंदिर में, मैं खुद मंदिर में रख के आया हूँ घड़ी, मैं खुद देख के आई हूँ, अभी नहीं है वहाँ पे। चल आ जा, रुक जा रुक जा, आओ और घड़ी तो पक्का 100% नहीं है, चल चल 100% घड़ी वहीं पे रखी है मैंने, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे नहीं है। लाइट ऑन कर दे एक बार, लाइट ऑन, लाइट ऑन कर, कहाँ है घड़ी, मैंने इधर ही रखी थी घड़ी, ओए तो कहाँ है, और ये मैंने इधर ही रखी है घड़ी, और तो कहाँ है, और मेरे को नहीं पता मैंने घड़ी रखी थी इधर ही, तो कहाँ है ये बताओ, सही में घड़ी मैंने उधर ही रखी है। गाइस कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, घड़ी कल मैं यहाँ रख के गया था, तो कहाँ है घड़ी, तू ही आई है या तो तू नहीं उठाई है, पहले कौन आया, मैं घड़ी क्यों उठाऊंगी यार, डांस क्लास में पहले कौन आया, नहीं सर हाँ आई थी पहले, तो अभी पेपर लेने आई, चुप रह मैंने नहीं किया है, फिर को नहीं पता कि घड़ी गई कहाँ, यहाँ से तो कहाँ गई, क्या हो रही है, क्या हो रही है, क्या सही तो है, नहीं नहीं कसम से, क्या हो गई ऑना पूरी थी, अरे हो रही थी, क्या फालतू झूठ बोल रहा है, क्या स्मेल नहीं आ रही कोई अजीब सी, सही में बात है स्मेल नहीं आ रही, बहुत अच्छी यार, लाइट ऑन हो तो अब तो सही है, अब आराम से, अरे यार ये झूठ बोल रहा है, अरे यार झूठ मान के लगा रहे हैं, अरे अब पूछते हैं ना, चल आ जा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा,
अरे वो मानेगी तो रहने दे, वो मानेगी तो रहने, तू रहने दे। क्या लिखे सुन यहाँ पे आप? एक काम करते लिखते हैं, खुशी आप नहीं हो यहाँ पे, हमें पता चल गया है। और हाँ एक और गाइस ये लिख के देखते हैं, खुशी आप नहीं हो यहाँ पे, ठीक है? चल लिख, तू लिख, लिख एक बार लिख देखते हैं। और इसके सुनल नहीं आया ना तो याद रहना, सीधा क्लास से जाएगा, ठीक है? तू कर एक बार लिख, एक बार देखते हैं। जाओ गाइस अभी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, आपको भी क्लियर हो जाएगा और जितने भी जन देख रहे हैं, ठीक है? पूरी सोना अभी की फैमिली देख रही है, सबको क्लियर हो जाएगा। और माधव अगर तू भी जाएगा इसके साथ क्लास से, पहले ही बता रहा हूँ, okay. ठीक है? ओके खुशी आप हो या फिर चल ठीक है, आ जाओ बाहर, आप बाहर चलो, बंद कर। अब आ जा बाहर, खुद ही आंसर लिख रही है क्या तू? नहीं। क्या कर रही तू उधर? रुक जा एक मिनट, रुक जा अभी, एक मिनट लाइट ऑन कर वापस। क्या करा तूने, दिखा क्या करा? नहीं करना ना, ढंग से नहीं बना रहा था कि उसको दिखे, इसलिए ना बनाई थी वापस। और कुछ हर वक्त है ना, जरूरी नहीं है सब करना, ठीक है? बंद गाइस, बंद करते हैं, ठीक है? डोर अब देखते हैं, ठीक है? तो गाइस बंद कर दिया है। अब सुनील पक्का झूठ नहीं बोल रहा है माधव, देख ले मैं सोनल का कुछ नहीं, फिर तू भी जाएगा इसके साथ क्लास में, पहले ही बता रहा हूँ। अगर प्रैंक हुआ ना ये फैमिली, अगर प्रैंक हुआ तो मैं खुद कह रहा हूँ, मैं सबको सॉरी बोलूंगा अगर मेरे को मैंने किया हो तो, ठीक है? और अगर तूने किया हो ना तो तू सीधे क्लास से बाहर जाओगे तुम दोनों। अगर प्रैंक नहीं हुआ तो, प्रैंक नहीं हुआ तो मैं खुद सॉरी बोलूंगा सबसे, ठीक है? ठीक है तो वेट करो, ठीक है? हाँ सब इधर ही रहोगे, कोई कहीं भी नहीं जाएगा, सब इधर गाइस, सबको इधर, ठीक है? सब इधर ही खड़े हैं, अभी देखते रुक जाओ। और अब कैमरा भी बंद नहीं करूंगा, यहाँ से देखते हैं, ठीक है? कुछ तो आवाज आएगी अगर कुछ होगा अंदर, पर यार ऐसा कैसे भी हो सकता, हम गाइस इतने दिन से सब कुछ हो रहा था साथ में, पर कल तो आया क्यों? मेरे को शक गाइस वहीं से हो रहा है। मैंने खुद बुलाया था इसको कॉल करके कि अंकल प्लीज तू लेके आ जाना। ये खड़ा था तो उस वही वाला दरवाजा अपने आप खुला था जहाँ पे तू खड़ा था, यहीं पे खड़ा था तू, और वही वाला दरवाजा अपने आप बंद खुला था। खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, कुछ आंसर आना होगा तो आ गया होगा। गाइस चलते देख के, लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर, लाइट ऑन करना। क्या आंसर आया? कुछ आंसर नहीं है, ये एरा रहा पेपर। नहीं 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 नया पेपर, ये तो नया, अरे इधर के रुक जा, एक बार देख इधर नया पेपर, इसमें देख, इसमें तो नहीं पेपर का, पेपर यही तो रखी गई थी, ये तो नहीं है पेपर, ये नहीं है पेपर, कहाँ गया? अब इधर देख, हाथ पर देख, अरे खोल इसको, खोल कपड़े को, खोल इस कपड़े वाले में, नहीं है इसमें भी पेपर का, पता नहीं मुझे क्या पता पेपर का है, उड़ गया होगा। अब मैं बता दूं पेपर का है, रुक जा, तू अभी अंदर आई थी, हाँ ठीक है, हाँ अंदर आई, फिर तूने खुद नहीं लाइट बंद करी, मैं बता रहा हूँ पेपर तूने खुद नहीं छुपाया है, ठीक है? सात बार निकली, सात बार नहीं, तू वापस अंदर आई थी एक बार, मैं एक बार अंदर आई थी, क्यों आई अंदर? मैं अंदर कब आई? मैं अब 100% मैं गाइस बता रहा हूँ, प्रैंक ये सोनल कर रही है सब पे, हम पे प्रैंक सोनल कर रही है इतने दिन से, ठीक है? क्लियर हो गया है पेपर, सोनल तूने छुपाया है। मैंने कुछ अब, नहीं, अरे यार, अरे कैसे नहीं छुपाया यार, मैं बता दूं, देखो क्या, मैं बता दूं आपको, रुक 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 रुक, मैंने आपको बताया, मुझे एक बात बता, इसने लिखा पेपर पे, ठीक है? मैं बाहर चला गया गाइस, मैं बाहर चला गया, इधर आया तो इधर ही खड़ी थी, ठीक है? फिर खुद ही लाइट बंद कर बाहर आ गई, और फिर पेपर नहीं मिला, साथ में नहीं आया होते, पहले गया था मैं, और उसका फिर पेपर नहीं मिला, ठीक है? अब रहने दे, अब झूठ बोलने से मतलब नहीं है, आ जा ऊपर आ जाओ, रहने दो इनको, अब झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है, आप क्यों बोल रहे हो झूठ, खुद ने छुपाया पेपर, तूने, मैं क्यों छुपाऊंगा पेपर, तो मैंने भी नहीं छुपाया पेपर, मैं साथ में बाहर आई हूं, या तो तूने इसको दे दिया होगा, अरे क्या दे दिया, यही आ रहा है, तो कुछ करा ही नहीं, ये तो पहले ही बात था, अब फालतू झूठ बोल मत, अब पकड़ी गई गाइस, मुझे एक बात बता, आज तक इतनी बार अपन ने लिखा अंदर क्यों, अभी वापस अंदर क्यों गई, क्या करी ना सही करने गई, इतना देखो क्योंकि आपने गलत पढ़ा था, इसलिए मैं चेक करने गई थी, मैं नहीं लिखा है, मैंने कहीं रख दिया होगा, ये इसने ही रखा है, आंसर कुछ आया नहीं, तो कुछ कुछ भी आंसर नहीं आया गाइस, इसने खुद ने रखा है, ठीक है? पेपर सोनल देख, या तो आप सच बोल दे, आप सच बोलने का टाइम है, सच बोल रही हूं, मैंने पेपर नहीं छुपाया है, नहीं तो रहने दो, मैं छुपाती तो मैं, फिर जाओ रहने दो, फिर जाओ डांस क्लास से जाओ, अब जाओ, ये प्रैंक 100% गाइस सच बता रहा हूं, इन्होंने किया डांस क्लास से जाओ, अब मेरे को नहीं पता, रहने दे रहने दे, मैंने क्या बोला था, अगर आंसर नहीं आया, नहीं तू भी तो कल क्यों आया तू यहाँ पे, कल इन्होंने फोन दिया, फोन किया ना, हाँ बुलाया ना, तू भी अब इसको क्यों नहीं बुलाया, एक बात बता, उसको ही क्यों बुलाया, ये आते जब, रुक जा गाइस, अब रुक जा, एक मिनट जा, तू रोज आता है जब अकेला आता है, हमेशा साथ में आता है गाइस, हमेशा ये दोनों साथ में आते हैं, आज अकेला क्यों आया, हमने प्रैंक नहीं किया, आप कर रहे हो ये सब,
मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा हूँ कुछ, मेरे को तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे पास तो फोन भी नहीं था। क्या आप खुद भी डायरेक्ट बाहर निकल जाते थे ना? क्या आपने गलत क्यों पढ़ा फिर? मैंने उसमें नहीं लिखा था, आपने क्या बोला खुशी यहाँ पे हो? मैंने नहीं लिखा था, वो तो आपने पढ़ा नहीं। मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ उसमें, मैंने कब बोला पढ़ने वाला कुछ है? आपने साफ साफ बोला खुशी आप यहाँ पे हो, आप कैसे पता खुशी यहाँ पे है कि नहीं? आप झूठ बोलने से मतलब नहीं है? मेरे को झूठ मत बोलो, खुद झूठ बोल रहे हो आप। अब डांस क्लास अब जाओ, अब मैंने पहले ही बोला था डांस क्लास देख मैं चुपचाप, अब चुपचाप चले जाओ दोनों डांस क्लास से, दोनों डांस क्लास चले जाओ, फालतू झूठ बोलने से मतलब नहीं है। हाँ कुछ क्या पता चला एक, अरे यही करने पर तू रहने दे प्रैंक, ये चल तू भी चाह साथ में साथ मिलके प्रैंक करो गाइस, और है ना बता रहा हूँ सोनल फालतू प्रैंक ये सब करना मत किसी और के साथ में, ठीक है? जल्दी आपको पता चल जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ और अगर कुछ हो गया तो फिर आप सॉरी बोलोगे हमें? कुछ नहीं तू जा यार, तू जा यार, रहने दो। अब मैं तेरे को सच बता रहा हूँ पीयूष, इधर गई क्या वो देख तो गई तो जाने दे, मैं तुमको सच बताता हूँ गाइस, अब मैं बताता हूँ आपको क्या हो, ऊपर आओ एक बार ऊपर आज उनको जाने दे, जाने दे, अब नहीं आएगी सोनल। अरे तू इधर आना, मैं तेरे को सच बताता हूँ इनने क्या किया मेरे को पूरा, मुझे पता नहीं मैं बोल दे तेरे बीच में, अरे मैं खुद ने देख लिया उसको, मैं तेरे को मैं बता रहा हूँ गाइस क्या हुआ, रुक जा इधर आ रुक जा, अब मैं बता तुम्हें क्या हुआ, ठीक है? पहले सोनल आई, ठीक है? मैं बता रहा हूँ गाइस, उसने वो हमेशा एक बात ज्यादा लिखने के बाद कभी वापस सोनल अंदर जाती है नहीं, ठीक है? वापस गई पेपर के पास में, पेपर के पास में वापस गई, ठीक है? और ऐसे उसने मेरे को लगा कि क्या कर रही, तो मैंने बोला क्या कर रही है, तो गाइस क्या कर रही है, ना सही कर रही हूँ, जबकि ऑलरेडी ना था वो, ठीक है? वापस आई तो मैं उसके पीछे आ रहा था, सडन उसके हाथ में मैंने ऐसे मेरे को लगा जैसे पेपर था, उसने वहां से माधव को दिया, माधव ने कहा पेपर पेपर छुपाया 100% में। ये गाइस इतने दिन से ये दोनों मिलके हम पे प्रैंक कर रहे हैं, माधव बुला देना तो हमारा, माधव मेरे को भी लेके आते सर आपको, मैं वही तो सोच रहा हूँ गाइस, जब भी एक बार आपको बताऊं ना, जब भी माधव अकेला इसको छोड़ के नहीं आया है, ठीक है? दोनों साथ में आते हो, साथ में नहीं आते ये दोनों, ये दोनों मिलके हमसे हम पे 2 महीने से प्रैंक कर रहे हैं। अरे सही है, अब पे कुछ गाइस कुछ नहीं मिलने वाला, मैं बता रहा हूँ, पेपर ले गए वो साथ में तो कैसे पता चलेगा? पेपर भी तो गायब हो, पेपर ही गया, पेपर कैसे गायब हो जाएगा बात बताओ, इतने दिन से क्वेश्चन लिख रहा आज तक पेपर गायब नहीं हुआ, आज पेपर ही गायब हो गया, फोन ले लिया मेरा, फोन भी ले लिया, ठीक है? मुझे तो कुछ नहीं पता, ये माधव आके पहले पता नहीं कैसी बातें कर रहे थे कि सर को पता नहीं, मुझे बोल रहे थे कि ध्यान रख सर आएंगे नहीं आएंगे, मैं जैसे आप आ रहे थे ना मैं पानी पीने जा रहा था, तो आप आ रहे थे, मैं हाथों जाकर उनके पास बोल के आया कि सर आ रहे, इसलिए उन्होंने फिर बात टाल दी, इसलिए आपको फोटो वोटो दिखाई, बात कर रहे थे। वापस आ गए, ये वापस आ गए, अब सोनल अब आने से कुछ नहीं होगा, अब रहने दे, अब रहने दे सोनल, कुछ नहीं होगा, आई तो नहीं रही, सीढ़ी सीढ़ी पे देख, तो सीढ़ी पे देख कीड़ी कहाँ है, आ गई क्या सोनल, कहाँ है रे? मेकअप रूम में, अबे ये लाइट लाइट गाइस, वो इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, नीचे, ओए गाइस सीढ़ी में कोई नहीं, ओए पेपर कैसे आ गया वापस, पेपर आ गया, पेपर सीढ़ियों में है नहीं, एक बार देख क्या वापस, देख क्या पूरा नीचे तक देख क्या गए, पर आंसर कुछ नहीं है उसमें, देख ले पर पेपर कैसे आया वापस, चलो घर जाओ, मुझे उसको आने दे, या तो नीचे खड़े हो, क्या पता नीचे खड़े हो, घर जाओ, कोई भी नहीं है नीचे, कोई भी नहीं है, पूरा देख के आया नीचे तक, बाहर भी स्कूटी नहीं है उनकी, सुनील की नहीं है स्कूटी, नहीं वो नहीं कर रहे थे, हैं तो मतलब वो नहीं कर रहे थे, बे रुक जा, किसकी आवाज आ रही है बे, ये पेपर पक्का यही था, ए उसने दर्द ना सही किया है, सही में ना सही किया है, कोई गलती नहीं है, आपने गलत बोल दिया, फिर लाइट चली गई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, उसको बुला बुला बुला, फोन लेगा गाइस, ऊपर चल ऊपर चल, यहाँ से जल्दी ऊपर चल ऊपर चल 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 जल्दी चल भाई साहब, ऊपर चल ऊपर ऊपर, अरे जल्दी चल तू ऊपर चल ऊपर चल ऊपर, फोन लगा जल्दी उसको, गाइस वो झूठ नहीं बोल रही थी, मतलब वो भी झूठ नहीं बोल रही और मैं भी झूठ नहीं बोल रहा, गाइस यहाँ पे है कुछ ना कुछ तो है, रुक जा एक मिनट, फोन लगा उसको, फोन लगा जल्दी, फोन लगा रहे गाइस, सोनल हेलो, कहाँ पे हो तुम लोग? लो बस अभी थोड़ी दूर पहुंचे हैं, घर पहुंच गए? नहीं नहीं आधे रास्ते में, क्यों
पेपर वापस रख के गया क्या माधव? हमारे पास पेपर था ही नहीं तो हम रखेंगे कैसे? तो पेपर तुम्हारे पास नहीं था? हमारे पास था ही नहीं पेपर तो हम रखेंगे कैसे? अचानक से लाइट वाइट बंद हुई सर, बोलो बोलो उनको जल्दी बोलो, बोलो सर उनकी कोई गलती ही नहीं, आपने फालतू रुक जा रुक जा। क्या हुआ, आप क्यों फोन किया वापस निकालने के बाद? हैं हमें क्यों फोन किया वापस? अबे उधर अबे किचन में यार, अभी जब जैसे तुम वापस गए ना अब हम तो हमें ना अचानक से हम ऊपर आए 2 मिनट के लिए। क्या हुआ, क्या हुआ सर?